क्षेत्र के लिए है यहाँ पर। मैं आज यहाँ पर आए हुए समस्त अतिथियों का इस अस्पताल की कायाकल्प का निर्णय लिया गया। अस्पताल बन रहा था, परंतु जब कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप पूरे देश में आया और मध्य प्रदेश में जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने दूसरी लहर की लड़ाई को तेजी के साथ लड़ने की शुरुआत की, तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया कि कार्डियो अस्पताल लगभग बनकर तैयार है, परंतु उसमें करीब 6-8 महीने का और समय लगेगा, उन्होंने कहा नहीं, अब इसमें तेजी लाओ और किसी भी तरह यह सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना की इस लहर में हम इस अस्पताल को कोविड केयर सेंटर के रूप में स्थापित कर सकें। 200 बेड का केयर इंडिया के सहयोग से ये अस्पताल शुरू हो रहा है। ये कोविड की थर्ड लहर के लिए ये तैयारी है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आम नागरिकों से कि जो कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पूरी तरीके से पालन करें। मेरी सबसे प्रार्थना है मीडिया के मित्रों से भी, कृपया करके मास्क लगा के रखें। ये बात सच है कि मध्य प्रदेश में अभी संक्रमण नियंत्रण में दिखाई देता है, लेकिन मैं दूसरा पहलू मध्य प्रदेश की जनता को दिखाना चाहता हूं। देश और दुनिया के देश के कई राज्यों में, स्पेशली महाराष्ट्र में, केरल में कोविड के पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ना शुरू हो गई है। और केवल देश की बात नहीं कर रहा, खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट दुनिया के कई देशों में कहर बरपा रहा है। मेरे सामने इंग्लैंड फिर लॉकडाउन की स्थिति की तरफ जा रहा है। 26,000 से ज्यादा केस रोज। अब यूके में लगातार आ रहे हैं। एक ने दुनिया के अनेकों देशों में दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर, तीसरी के बाद चौथी लहर आने का क्रम जारी है। मध्य प्रदेश को अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में यह बात सच है कि अभी पूरी तरह से नियंत्रण है। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मेरी प्रदेश की जनता से प्रार्थना करता हूं कि कृपया करके निश्चिंत मत होइए। अगर हमारा ये व्यवहार जारी रहा कि मास्क नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं, भीड़ भाड़ सब विराट पैमाने को होना शुरू हो गई, तो इन केसों को बढ़ने में समय नहीं लगेगा। और एक बार स्थिति अगर आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो हमने सेकेंड वेव के जो कष्ट सहे है आज देख के कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने भुगता उस दौर में जब ये अस्पताल के निर्माण का काम चल रहा था, पूरा नहीं हुआ, और हमने तब तय किया युद्ध स्तर पर निर्माण का काम होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को बधाई देता हूं, एयर इंडिया के सहयोग से सचमुच में स्वास्थ्य विभाग ने, विश्वास जी भी इस काम को देखते रहे, प्रभुराम जी भी देखते रहे, एक रिकॉर्ड समय में इस अस्पताल को बना के तैयार किया है। इसमें कोई दो मत नहीं कि जब ये शुरू हुआ था तब उमाशंकर गुप्ता जी निश्चित तौर पर इस अस्पताल के लिए बहुत चिंतित रहा करते थे, युद्ध स्तर पर बनके ये अस्पताल तैयार हुआ है। और मैंने जो उल्लेख आपके सामने किया वो इसलिए किया कि हम कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, मैंने हम शब्द कहा, केवल सरकार नहीं, हम मतलब जनता के साथ मिलकर, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर। यहाँ भोपाल की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सम्मानित सदस्य बैठे हैं, हमने बिना किसी भेदभाव के
बिना दलगत भेद हमने कोशिश ये की कि कोविड से अगर लड़ना है तो सारे हमारे आदरणीय सांसद जी, विधायक मित्रगण, प्रशासन की टीम और सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर इस लहर का मुकाबला करें। पर आज जो इस अस्पताल का लोकार्पण हमने किया है वो तीसरी लहर की तैयारी के लिए किया है। अब 200 बिस्तर का ये अस्पताल जिसमें 50 ICU बेड है हमारे, 150 हमारे ऑक्सीजन बेड, कोई बेड ऐसा नहीं कि जिसमें ऑक्सीजन ना हो। ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ लग रहा है, जंबो सिलेंडर्स का इंतजाम हो रहा है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को भंडार करने की व्यवस्था भी यहाँ की जा रही है। कोशिश हमारी वही होगी कि तीसरी लहर की जो तीव्रता है उसको हम खत्म करके संकट बढ़ने ना दें।